कहते हैं अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। पाकिस्तान और तुर्की का वही हाल हो गया है और अब पाकिस्तान और तुर्की के OIC का इस्तेमाल करके भारत पर वार करना बड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि तुर्की के खिलाफ अब भारत OIC के ही एक खास मेंबर के साथ मिलकर बिल्कुल उसके घर में घुस आया है और वो भी बड़ी तबाही के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ 15 से 17 जुलाई चीन के लिए होने वाला है बड़ा ही खतरनाक दिन। इजराइल और भारत की मिसाइलें उतर रही हैं, जिसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही होगा। भारत ने अब दूसरी लहर खत्म होने के साथ साथ तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में OIC के महासचिव ने जिस तरीके से कश्मीर मामले में अड़ंगा डालने की कोशिश करी, साफ दिख रहा था कि OIC में इस हलचल के पीछे तुर्की और पाकिस्तान है, क्योंकि यही तुर्की और पाकिस्तान UN में भी कश्मीर मामले को उछालने की पूरी कोशिश करी। यहाँ तक कि मामला इजराइल और फिलिस्तीन का था, लेकिन तुर्की के जो उस समय अध्यक्ष थे वोल्कान वोजकीर, उन्होंने मंच पर से पाकिस्तान को ये सलाह दी थी कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान को जोर शोर से उठाना चाहिए, जबकि ये उनके अध्यक्ष पद के गरिमा के खिलाफ था। तुर्की और पाकिस्तान की साठ गांठ बड़े जोर शोर से दिखती है भारत के खिलाफ। यहाँ तक कि तुर्की तो लड़ाके भेजने को भी तैयार है कश्मीर मामले को लेके। तो फिर क्या तुर्की पर भारत की तरफ से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और भारत उस रास्ते पर चल भी पड़ा है। तुर्की के बगल में जो ये देश देख रहे हैं, एकदम सामने, हालांकि सिर्फ ये जो पानी है यही इन दोनों देशों को अलग करती है, तो यही वो पानी है जहाँ पे ये भिड़ भी जाते हैं। तुर्की और ग्रीस के बीच रिश्ता उसी तरह का है जिस तरीके का रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच है। पर एक वक्त था तुर्की के साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, जिसकी वजह से भारत ने कभी तुर्की के मामले में अड़ंगा नहीं डाला, टांग नहीं अड़ाई। लेकिन 20 साल बाद भारत ने अब वो काम किया है जो तुर्की के न सिर्फ खिलाफ है, बल्कि इस काम में अब भारत का साथ OIC का एक तगड़ा वाला मेंबर भी दे रहा है, और इसका खुलासा हो गया है ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। दरअसल हाल ही में हमने ये देखा कि ग्रीस गए थे भारत के विदेश मंत्री, लेकिन ये भी जान लीजिए ये 20 साल बाद गए थे भारत के विदेश मंत्री ग्रीस। 2 दशकों से किसी ने ग्रीस की यात्रा नहीं की थी, पर अब न सिर्फ ग्रीस के साथ यात्रा हुई बल्कि यहाँ पर युद्धाभ्यास भी करेगा भारत। और मामला यहीं तक नहीं है, ये ग्रीस वो है जो यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी है और भारत के साथ खड़ा है भारत के कई पॉइंट्स पर। एक तो भारत जो UN में रिफॉर्म की बात करता है उसको लेकर ग्रीस भारत के साथ खड़ा है, और उसका भी ये मानना है कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ इस UN को पूरी तरीके से तोड़कर फिर से बनाने की जरूरत है। ग्रीस भारत के समर्थन में जहाँ पुरदोर तरीके से खड़ा है, तो वहीं अब ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया है जो तुर्की के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। दरअसल ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जल्द ही भारत, ग्रीस और UAE के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता होगी, और इस त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि तीनों ही देश इस क्षेत्र में पार्टनरशिप में उतरेंगे। आपको बता दें OIC के महत्वपूर्ण मेंबर में आते हैं सऊदी अरब और UAE, इसमें से एक भी देश जिस तरफ होंगे पलड़ा उधर ही भारी होगा, और अब तुर्की को मात देने के लिए तुर्की के OIC के मेंबर को ही सामने लेकर आ रहा है भारत। वैसे भौगोलिक तौर पर आप देखेंगे तो UAE यहाँ पे है और तुर्की यहाँ पे, ग्रीस यहाँ पे, भले ही यहाँ मेडिटेरियन सी में UAE सैन्य अभ्यास या सैन्य कारणों से कोई खास मदद ना करे, लेकिन OIC के मेंबर होने की वजह से UAE भारत और ग्रीस के बीच त्रिपक्षीय समझौता तुर्की के खिलाफ बहुत बड़ा अस्त्र बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि भारत और चीन का सीमा तनाव जैसे ही शुरू हुआ था, वैसे ही भारत के DRDO ने लगातार मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मिसाइलों की संख्या सोच से बाहर होने लगी थी। 35 दिन के अंदर जहाँ 10 मिसाइलों का परीक्षण किया गया, तो वहीं 2-3 महीने
महीने के अंदर करीब 30 से 40 ऐसे मिसाइलों का परीक्षण किया गया जो कि भारतीय सेना को मजबूती दे। हालांकि आपको बता दें, इनमें से कई ऐसी मिसाइलें थी जिनकी टेक्नोलॉजी पहली बार भारत बना रहा था और पहली बार इनका परीक्षण चल रहा था। फिर अचानक से दूसरी लहर आ गई और जिसकी वजह से भारत के कई प्रोग्राम डिले हो गए। लेकिन अब जैसे दूसरी लहर खत्म हो रही है, भारत अपने ट्रैक पर वापस लौट रहा है और न सिर्फ ट्रैक पर वापस लौट रहा है बल्कि बड़े धमाल मचाने की तैयारी भी कर रहा है। और इधर बीच जिस तरीके से सीमा पर तनाव बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए और हर उस हथियार को तैयार रखा जा रहा है जो चीन के खिलाफ काम आए, ऐसे में भारत का दोस्त इजराइल कहां पीछे रह सकता है। जहां भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदे और भी ज्यादा बढ़े हैं, आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जो आयरन ड्रोम है इजराइल का, उसमें जो इस्तेमाल होते हैं मिसाइल MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इस मिसाइल की एक बहुत बड़ी संख्या भारत ने मंगवाई है। हालांकि ये क्लियर न तो भारत के द्वारा किया गया कि कितनी बड़ी संख्या है और न ही इजराइल के द्वारा, पर अब एक बार फिर भारत और इजराइल साथ आ गए हैं। पहली बार 2009 के आसपास जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब 450 MRSMs मंगाए गए थे और वो $2 बिलियन के थे। इसे बनाने वाली कंपनी इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने पिछले साल एक बड़ी संख्या में MRSM मिसाइलों को भारत को दिया और अब भारत सरकार ने उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी से एक नोटम जारी करा है और ये नोटम है 15 से 17 जुलाई के लिए। इस पूरे इलाके में जो नोटम है 322 किलोमीटर का है, जिसे जारी करके ये चेतावनी दे दी गई है कि इस इलाके में नो फ्लाइंग जोन है। और अब कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल द्वारा निर्मित MRSM की मिसाइलों का परीक्षण भारत यहाँ करने जा रहा है। 3 दिनों के लिए इस नोटम को जारी किया गया है और DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा मिलकर बनाए गए इस मिसाइल का परीक्षण चीन के लिए सरदर्द बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायली आयरन ड्रोम में लगने वाली मिसाइलों से काफी मिलती जुलती खूबियां भारतीय MRSM की भी है। हालांकि इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर तक की है, यानी कि 70 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाले चीजों पर ये सटीक निशाना लगा सकता है। वैसे भारत हर वो कोशिश कर रहा है जिससे अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान से पहले तुर्की को सबक सिखाना बेहद जरूरी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।